नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में आज बस बारिश पर आज सुबह उल्लास के साथ मनाई गई, जिसे लेकर आज महिलाओं ने सुबह उठकर ध्यान स्नान किया और बिना धारदार हथियार से कटे हुए भोजन को बनाया। गाय में बछड़े की पूजा अर्चना की गई और महिलाओं द्वारा बिना धारदार हथियार से कटे हुए अन्य को भी भोजन किया गया और क्षेत्र में परिवार के लिए सुख सम्मति की कामना की। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा ग्राम पंचायत रटलाई में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बेरोजगार युवक युवती हेतु एक दिवसीय पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 75 युवक युवतियों ने कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु अपना नामांकन करवाया। शिविर प्रभारी मुकेश कुछवा, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजना जैसे DDUGKY व मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, उन्नति योजना आदि कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भवन लाल, ब्लॉक अकलेरा रमेश कुमार, LDC कंप्यूटर ऑपरेटर इमरान आदि मौजूद रहे। मिसौली, एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें खाटू श्याम भजन गायन के लिए राहुल बाप, लखन आर्य उज्जैन व राधिका माहेश्वरी भोपाल आदि कलाकारों को मुखारविंद से भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के सानिध्य में ग्राम पंचायत नहरगट्टा सही क्षेत्र के लोगों में इस कार्यक्रम में सैकड़ों खाटू श्याम प्रेमी और खाटू श्याम परिवार द्वारा धर्म प्रेमी बंधुओं की उपस्थिति रही। आयोजन समिति द्वारा भजन संध्या को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी। ये भजन संध्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र राजगढ़, भैसानी, आमल्या, मिसौली, सिलेगढ़ आदि दूर दूर के श्याम प्रेमी भक्तों के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनके ठहरने व खाने की व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा की गई। भजन संध्या को लेकर धर्म प्रेमी बंधु श्याम भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। झालावाड़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आवश्यक सेवाओं से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने आवश्यक सेवाओं से संबंधित चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को विभाग द्वारा जिले में बजट घोषणाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कोलाना हवाई पट्टी व एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए। करावन क्षेत्र के नाथूगढ़ी में आशा सहयोगिनी ने घर घर जाकर खिलाई गोली। 1 से 19 साल तक के एल्बेंडाजोल दवा से वंचित बच्चों को आशा सहयोगिनी सीमा जैन घर घर जाकर खिलाई गोलियां। आशा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार चिकित्सा विभाग की ओर से 1 से 19 साल तक के पेट में कीड़े मारने के एल्बेंडाजोल दवा से छूटे बच्चों व किशोर किशोरियों के लिए मॉप अप राउंड के अंतर्गत, जिसमें राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 सितंबर को शेष रहे बच्चे जिन्होंने एल्बेंडाजोल की एक गोली नहीं ली है, उन्हें आज घर घर जाकर खिलाई गई। द्वारा आज गोली खिलाई गई, इसकी जानकारी अवगत कराएं। सीएमएचओ साहब के आदेशानुसार 4 सितंबर को सभी सरकारी, प्राइवेट, निजी और आंगनबाड़ी केंद्र पे 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलानी थी। 4 सितंबर को खिलाई और उसके बाद जो वंचित रहे बच्चों को आज 11 सितंबर को खिलाई मॉप अप राउंड के दौरान। आज पिड़ाव में स्थित एक निजी रिसोर्ट में आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा झालरापाटन केंद्रीय विधायक प्रवास योजना के तहत भाजपा नगर व ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि हिमाचल विधायक सतपाल सिंह ने कहा कि भाजपा के आगामी कार्यक्रमों में एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही गई। उन्होंने भाजपा सरकार की धारा 370 को हटाना, 35 है राम मंदिर निर्माण, कोरोना वैक्सीन बनवाई और चंद्रयान 3 G20 की सफलता आदि उपलब्धियों की जानकारी दी। इनके अलावा भाजपा जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, जीवनदा जैन ने भी संबोधित कर पार्टी की रीति नीति पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुखों के सूचना पत्र वितरित किए गए। बैठक में जिला प्रमुख प्रेम भाई दांगी, प्रधान सीता भील, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद डांगी, नरसिंह डांगी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कैलाश डांगी, कोषाध्यक्ष राजेन जैन, हरिमोहन शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, ग्रामीण अध्यक्ष रमेश चंदांगी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीराव, वाइस चेयरमैन राजू माली, यूमो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शंभू सिंह चौहान आदि लोग मौजूद रहे। झालावाड़, नाबालिग व दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने किया बरी, निर्दोष होते हुए 2 साल 10 माह की काटी जेल। पुलिस अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैया व औपचारिक कार्रवाई के लिए टिप्पणी। वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए DGP जयपुर को भेजी निर्णय की कॉपी। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश पवार ने सुनाया फैसला। अभियुक्त के अधिवक्ता गौरव मौमिया ने दी जानकारी।
उसने एक दुष्कर्म के मामले में अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को बरी किया है। इसमें मूल कहानी ये थी कि उसी की बहन ने उसके ऊपर ये आरोप लगाया था कि जब वो फल फ्रूट लेने गई थी तब उसका भाई वहां पर आया और उसका अपहरण करके उसको अंता लेके गया, जहां पे उसके साथ उसने बलात्कार किया। इस पूरे घटनाक्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पेश किए गए, सबूत पेश की गई। इसमें मूल जो कहानी निकल कर आई है उसमें मुख्य रूप से संपत्ति का विवाद सामने आया कि संपत्ति के विवाद के चलते पीड़िता ने उसकी मां के साथ मिलकर मुलजिम के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष रूप से इसमें चिकित्सकीय साक्ष्य भी करवाई गई थी जिसमें भी बलात्कार की कहीं से कहीं तक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही न्यायालय ने उम्र के संदर्भ में भी टिप्पणी की कि नाबालिग जो थी, पीड़िता जो थी, वो 18 साल से अधिक की थी, 18 साल से कम की नहीं थी। इस पूरे मामले में न्यायालय ने माना है कि जो पुलिस है उसने गलत अनुसंधान किया था। कुल मिला के जो ब्रजेश जी पवार है विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के, उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी, जो अनुसंधान अधिकारी, उन्होंने गलत अनुसंधान किया था, जिसको लेकर डीजीपी जयपुर को भी उन्होंने कार्रवाई के लिए निर्णय के प्रति प्रेषित किए। मंदसौर शहर के नई आबादी स्थित प्रधान डाकघर में इन दिनों बिल्डिंग की नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रथम तल पर रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। कार्य के चलते डाकघर ऑफिस परिसर में बड़ी मात्रा में छत से पानी टपक रहा है, जिससे जहां पहुंच रहे उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर डाकघर अधिकारियों ने कहा कि नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है, जल्द ही शहर के सबसे बड़े और पुराने डाकघर की यह बिल्डिंग नवीन स्वरूप से नजर आएगी। मंदसौर जिले के गांधी सागर चंबल नदी किनारे बसे वन अभ्यारण्य क्षेत्र को शासन द्वारा जंगली जीव जंतुओं के लिए वातावरण के अनुकूल बताया गया और यहां पर शासन के द्वारा चित्तल छोड़े गए थे। इस अनुकूल वातावरण के तहत यहां पर तेंदुए भी दिखाई देते हैं। वहीं शासन द्वारा इस अभ्यारण्य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर शीघ्र ही चीते छोड़ने के लिए इस अभ्यारण्य को तार फेंसिंग कर कवर किया जा रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारी राकेश मंडावलिया ने बताया कि वन विभाग द्वारा चीता छोड़ने के लिए तार फेंसिंग की जा रही है। शीघ्र ही यहां पर आपको चीते नजर आएंगे, तो वहीं यह पर्यटक की दृष्टि से कौन से भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्तमान में गांधी सागर अभ्यारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार अभी चीता फेंसिंग का कार्य लगभग 70 से 75% तक पूर्ण हो चुका है। इसके तहत कुल 6400 हेक्टेयर क्षेत्र को फेंसिंग के रूप में तैयार किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन का कार्य भी प्रगति पर है, तैयारी की जा रही है, तो फेंसिंग वगैरह लगी उस विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये जो फेंस है ये प्रीडेटर प्रूफ फेंस है, जिसमें लगभग हमारा 2.5 मीटर का जो फेंस है वो फिजिकल फेंस है। इसके ऊपर 0.5 मीटर का लगभग जो रहेगा वो सोलर इलेक्ट्रिक फेंस रहेगा, ताकि कोई दूसरा वन्य प्राणी इसके अंदर बाहर से कूदे नहीं और चीता इसके बाहर से नहीं निकले। सर, इसमें जो आप योजना लाए हैं, इसके अंदर जो कार्य चल रहा है, इसके अंदर रहवासियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, रहवासियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ गांव वालों का जो चरणों का इशू था वो भी गांव वालों के साथ बैठक करके उसको सॉल्व कर दिया गया है। जी, आपका नाम? राजेश मंडावली, अधीक्षक गांधी सागर अभियान। नगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक लोडिंग पिकअप वाहन से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नाहरगढ़ पुलिस ने एक टीम बनाकर लिवदा ताचिरी अगरमला रोड शिवना पुल के निकट नाकाबंदी करते हुए पिकअप क्रमांक RJ35CG3390 को रोक कर तलाशी लेने के दौरान पिकअप में 13 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 2 क्विंटल 5 किलो 640 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने पिकअप चालक बबलू पिता दशरथ भील उम्र 19 साल निवासी रूदलाई थाना रामपुरा जिला नीमच को गिरफ्तार किया है। जब तक किए गए डोडा चूरा की कीमत 2,05,000 रुपये बताई गई। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में अपराध दर्ज किया गया। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से 3 दिन के लिए रिमांड मिली। नाहरगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी अवैध मादक पदार्थ कहां से लेकर आया था और कहां देने जा रहा था, इसे लेकर पूछताछ जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
प्रवेश प्रारंभ। संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक दोनों ही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, कक्षा 11वीं में विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ शहर के मध्य में शिक्षा की बेहतर सुविधा। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। गत 21 वर्षों से संचालित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षित परिसर। आज ही संपर्क करें संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उषा कॉलोनी, भवानी मंडी। प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा, मोबाइल नंबर हैं जिनके 9784883535। अब जमाना नॉर्मल एजुकेशन का नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। ब्राइट फेडर पब्लिक स्कूल, स्कूल बस फैसिलिटी अवेलेबल, नर्सरी टू 8th क्लास इंग्लिश मीडियम। एडमिशन ओपन लिंक रोड रामनगर, पुलिया टू बायपास, शांति श्री कॉलोनी, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर 9033586728, 9079167225। फॉर इन क्वालिटी हेड ऑफिस ब्राइट फेडर अकेडमी, रामनगर, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे। हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे। I'm gonna go.